शादी और तरह तरह की पार्टियों में तंदूरी रोटी की मौजूदगी जरूर देखी जाती है। तंदूरी रोटी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ही प्रकार के व्यंजन जैसे दाल, कढ़ाई पनीर, चिकन आदि जैसे सब्जियों के साथ एकदम फिट बैठती है। तंदूरी रोटी खाने में लजीज लगती है, इसलिए लोग इसको चाव से खाते हैं। लेकिन क्या ये स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है? तो आइए जानते हैं आज इस वीडियो में। तंदूरी रोटी में कार्बोहाइड्रेट और कैलोरी की मात्रा ज्यादा होती है। एक कप मैदे में 455 कैलोरी होती है। इसका मतलब है कि तंदूरी रोटी में लगभग 120 कैलोरी। इसमें प्रोटीन तो होता ही है, लेकिन आपको कुल 6% हिस्सा दैनिक जरूरतों में काम आता है। ज्यादातर लोग रेस्टोरेंट से तंदूरी रोटी ऑर्डर करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट में बनी तंदूरी रोटी हमारे स्वास्थ्य के लिए कितनी नुकसानदायक है? रेस्टोरेंट में बनी तंदूरी रोटी बटर और अनहेल्दी फैट से भरपूर होती है। मैदा आपके आंत के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। मैदा का लगातार सेवन करने से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, डाइजेशन से जुड़ी समस्या, कब्ज, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्याएं हो सकती हैं। इसके अलावा लगातार तंदूरी रोटी खाने से हमें डायबिटीज का खतरा भी हो सकता है, साथ ही दिल की बीमारियों का भी जोखिम का खतरा बना रहता है। रिफाइंड आटे का सेवन करने से हमारा मोटापा बढ़ने का रिस्क ज्यादा रहता है, तो हमें वजन बढ़ने का भी खतरा हमेशा बड़ा रहता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट का ज्यादा सेवन करने से हमें स्ट्रेस, डिप्रेशन और कई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम का रिस्क भी हो सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।